नमस्कार। आज हम लोग विभक्ति परिचय के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि संस्कृत में बिना विभक्ति ज्ञान के संस्कृत वाक्यों का हम प्रयोग नहीं कर सकते, इसीलिए विभक्ति का ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि विभक्तियों की सहायता से ही हम शब्द रूप का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए बालक शब्द है और इस बालक शब्द का हमें प्रयोग करना है, तो केवल बालक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, इसमें विभक्ति लगाएंगे और रूप बनेगा बालकः, और इसी का हम प्रयोग करते हैं। विभक्ति के बिना कोई शब्द हम प्रयुक्त नहीं करते हैं संस्कृत में। और शब्दों का प्रयोग करने के लिए सुप प्रत्यय, सुप प्रत्यय से बने हुए शब्दों को सुबंत कहते हैं और सुप प्रत्यय को ही विभक्ति भी कहते हैं, और इन सुप प्रत्ययों की संख्या 21 है। इन्हीं 21 प्रत्ययों के लगने से सुबंत शब्दों का निर्माण होता है। संस्कृत में जो शब्द हैं वो 5 प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। इनमें से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय में से क्रिया शब्दों के निर्माण के लिए हम तिंग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय रूपों के लिए सुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इन दोनों प्रत्ययों से बने हुए शब्द को हम पद कहते हैं, इसीलिए 2 प्रकार के पद होते हैं, सुबंत और तिगंत। जैसे सुप प्रत्यय से लगा हुआ बालक शब्द बालक हमने बनाया, इस बालक शब्द में सुप प्रत्यय लगा हुआ है, सु, क्योंकि सुप प्रत्यय 21 है, यहाँ पर पहला प्रत्यय लगा हुआ है सु, और गच्छति में तिंग प्रत्यय लगे हुए हैं, उसमें से केवल तिप पहला प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस प्रकार से पदों का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि विभक्तियों की सहायता से हम पद बनाते हैं। और संस्कृत में 2 प्रकार के पद होते हैं, सुबंत पद और तिङन्त पद। जो 5 शब्द हम बताए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय, इसमें से क्रिया जो होती हैं वो तिङन्त होती हैं, और जो सुबंत होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। यहाँ पर हम लोग तिङन्त पदों की चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ आज का चर्चा का जो विषय है वह सुबंत पदों का है। सुबंत पदों के विषय में हम चर्चा करेंगे। इनको सुबंत क्यों कहते हैं? क्योंकि जिन शब्दों के साथ सुप प्रत्यय लगते हैं, सुप प्रत्यय लगकर जो शब्द बनते हैं उनको सुबंत कहते हैं, और ये सुप प्रत्यय 21 हैं जैसा अभी हमने आपको बताया। और इनको हम संस्कृत में यदि बोलें तो सु औजस, अम औटसस, ताभ्याम भिस, ङेभ्याम भ्यस, ङसिभ्याम भ्यस, ङस ओस आम, ङी ओस सुप, ये 21 प्रत्यय हैं। इन 21 प्रत्ययों की सहायता से हम रूप बनाते हैं, और वे जो रूप बनते हैं प्रथमा विभक्ति में, द्वितीया विभक्ति में, तृतीया विभक्ति में, चतुर्थी विभक्ति में, पंचमी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में और सप्तमी विभक्ति में। यद्यपि देखिए बालक शब्द है तो बालक शब्द के रूप बनते हैं 24। कैसे 24 बनते हैं? क्योंकि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 7 हैं। 7 विभक्तियों के जो प्रत्यय हैं वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, अर्थात प्रथमा विभक्ति में 3 प्रत्यय, द्वितीया विभक्ति में 3 प्रत्यय, इस प्रकार से 7 विभक्तियों में मिला करके 21 प्रत्यय होते हैं। इन्हीं 21 प्रत्ययों की सहायता से हम रूप बनाते हैं, लेकिन संबोधन भी एक रूप बनता है। जैसे हे बालक अत्र आगच्छ, तो ये जो संबोधन पद है इसमें हम प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्यय लगाते हैं और रूप बनता है संबोधन का। तो रूप बन गए 24, लेकिन विभक्तियों का प्रयोग 21 प्रत्ययों का ही प्रयोग होता है। और हिंदी में
जब हम प्रयोग करते हैं इन विभक्तियों के चिन्हों को हम कैसे जानते हैं कि जैसे राम जाता है इसमें ने चिन्ह नहीं है, लेकिन वह वाक्य राम घर जाता है राम में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। और इसी को यदि दूसरे तरीके से कहें उसने कहा तो उसने में ने चिन्ह दिखता है, तो ने चिन्ह हिंदी को पहचानने के दृष्टि से कि जब ने लगा हो तो प्रथमा विभक्ति हो। द्वितीय विभक्ति में को का चिन्ह दिखता है हिंदी में, यद्यपि ये कोई जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में को दिखे। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ अहम पुस्तकम पठामि, तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ यहाँ पर पुस्तक को नहीं है, लेकिन मैं राम को देखता हूँ यहाँ को है, तो को चिन्ह से हम समझते हैं कि ये द्वितीय विभक्ति है। उसी प्रकार तृतीय विभक्ति को पहचानने के लिए से के द्वारा ये प्रयोग होता है, ये मैं राम के साथ जाता हूँ, राम वह गाड़ी से जाता है, तो यहाँ से उसके द्वारा किया गया। तो यहाँ इन चिन्हों के से हिंदी भाषा के चिन्हों से हम जानते हैं कि यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगेगी। उसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति को जानने के लिए जैसे उसने बालक को पुस्तक दिया तो यहाँ को चिन्ह है, ये चतुर्थी का है, संप्रदान का चिन्ह है। मैं गुरु के लिए पुस्तक लाता हूँ तो के लिए जो चिन्ह है ये चतुर्थी विभक्ति को संकेत कर रहा है। तो इन चिन्हों की सहायता से हम समझ पाते हैं, इनको ये चिन्ह नहीं है, यद्यपि ये हिंदी की विभक्तियां हैं, हिंदी में इन्हीं के द्वारा हम विभक्ति की पहचान करते हैं कि यहाँ प्रथमा लगा है, यहाँ द्वितीय लगी है, यहाँ तृतीय लगी है, ये चतुर्थी विभक्ति का रूप है, ये पंचमी विभक्ति का रूप है। जैसे पंचमी विभक्ति का रूप है मैं घर से आता हूँ, और इसको पहचानने में विद्यार्थी गलती करते हैं तृतीय और पंचमी में पहचान करने में। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ और मैं घर से आता हूँ, दोनों में से दिख रहा है, मैं कलम से लिखता हूँ यहाँ मेरा कलम के साथ संबंध साथ साथ है, अलग नहीं हो रहा मुझसे कलम, हम कलम से लिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तृतीय वहाँ साधन है। और घर से आता हूँ जहाँ भी आ रहा हूँ तो घर तो अलग हो गया, तो यहाँ पंचमी विभक्ति अलग अर्थ होने में। उसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति का जो चिन्ह है उसको का के की उसका उसके उसकी मेरा तुम्हारा तुम्हारी अपना अपने अपनी, इन चिन्हों के माध्यम से हम षष्ठी विभक्ति का ज्ञान करते हैं। और सप्तमी विभक्ति में मे पर, जैसे भगवान की मुझ पर कृपा है तो यहाँ पर है, और गंगा में पानी है तो यहाँ मे चिन्ह लगा हुआ है, तो ये सप्तमी विभक्ति का। और संबोधन में हे अरे हे राम इधर आओ इत्यादि प्रयोगों के द्वारा हम इन विषयों को जानते हैं। विभक्ति के ही अर्थ को कारक कहते हैं, इसीलिए लघु सिद्धांत कौमुदी में इस प्रकरण का नाम विभक्त्यर्थ प्रकरण कहते हैं। विभक्ति के ही अर्थ को सु का अर्थ अम का अर्थ क्या है इस पर जब हम विचार करते हैं तो कारक का विचार आता है। वैसे कारक किसे कहते हैं, सामान्य परिभाषा करें तो जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो उसको हम कारक कहते हैं, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। अब क्रिया के साथ कैसे साक्षात संबंध, जैसे कोई छात्र बोलता है कि अहम पुस्तकम पठामि, तो प्रश्न करेंगे अहम पुस्तकम पठामि कह पठत, तो उत्तर आया अहम पठामि। किम पठति, तो अहम पुस्तकम पठामि। कुत्र पठति, कहाँ पढ़ता है, तो अहम विद्यालये पठामि। किससे पढ़ते हैं, कस्मात् पठति, तो अहम अध्यापकात् पठामि। क्यों पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए, ज्ञानाय, अहम ज्ञानाय पठामि। छात्र ज्ञानाय विद्यालये अध्यापकात् पुस्तकम् पठति। अब तृतीय विभक्ति, बालकः केन सह पठति अथवा केन पठति, नेत्रेण पठति, आँखों से पढ़ता है, आँखों से देखता है। तो इस प्रकार इनका जिनका सीधे क्रिया के साथ, जब हम कह
कम, केन, कस्मै, कस्मात, कस्मिन, इन प्रश्नों के द्वारा जब हम देख रहे हैं तो सीधे क्रिया का संबंध बन रहा है। षष्ठी विभक्ति का संबंध सीधे, जैसे मोहनस्य बालकः, तो मोहन और बालक के बीच में संबंध हो रहा है। षष्ठी विभक्ति का साक्षात क्रिया के साथ संबंध नहीं हो रहा है, इसीलिए जिनका साक्षात क्रिया के साथ संबंध होता है उसको हम कारक कहते हैं। इसी कारण से संस्कृत में छह कारक माने गए। षष्ठी माने संबंध को कारक नहीं माना गया, क्योंकि उसका कारक, उस षष्ठी का सीधे संबंध क्रिया के साथ नहीं बन रहा है। कर्म के साथ हो सकता है, कर्ता के साथ हो सकता है, करण के साथ हो सकता है, संप्रदान के साथ हो सकता है, लेकिन इसका सीधे षष्ठी विभक्ति का क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है, इसीलिए संबंध को हम कारक नहीं मानते हैं और संबोधन भी कारक नहीं होता। इस प्रकार से संस्कृत में छह कारक होते हैं और इन 21 विभक्तियों के ही अर्थ को हम कारक कहते हैं। जब हम विचार करते हैं कि प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में होती है, द्वितीया विभक्ति किस अर्थ में होती है, तो यहाँ सीधे कारक का संबंध जुड़ता है। इन कारकों को हम कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक कहते हैं। ये छह कारक है। प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में होती है, द्वितीया विभक्ति किस अर्थ में होती है, तृतीया विभक्ति किस अर्थ में होती है, तो इसीलिए इन दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध है। विभक्ति और कारक को, इनको अलग करके हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती, कौन से कर्ता में, किस प्रकार का कर्ता हो जिसमें प्रथमा विभक्ति होती है, तो हम वाक्य तीन तरह से बनाते हैं। एक कर्मवाच्य में बनाते हैं, एक कर्तृवाच्य में बनाते हैं, एक भाववाच्य में बनाते हैं। एक अन्य भी वाच्य है कर्म कर्तृवाच्य, लेकिन वो उसका प्रयोग अभी हम नहीं करने जा रहे हैं। अभी हम कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य, तो कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। इसी को हम कहते हैं प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा। कोई भी प्रातिपदिक, कोई भी नाम जो होता है उस अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे राम, किसी का नाम लिखना है, एक लिस्ट बनानी है छात्रों की, तो उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी। उसको हम कहते हैं प्रातिपदिकार्थ में, एक सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। उसी प्रकार से लिंग अर्थ में प्रथमा विभक्ति तटह तटी ततम, परिमाण अर्थ में प्रथमा विभक्ति द्रोण व्रीहि, इसी प्रकार से वचन अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति होती है एक द्वौ बहवः, और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति ही लग के संबोधन का रूप बनता है। इस प्रकार से किसी भी नाम अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा और कर्म वाच्य के भी कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। उदाहरण के साथ यदि हम समझें तो बालकः गृहं गच्छति, तो बालकः गृहं गच्छति, बालकः में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा। क्यों प्रथमा हुई है, क्योंकि यह वाक्य कर्तृवाच्य का है और कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। इसी को यदि हम कर्मवाच्य में बदल दें तो रामेण ग्रंथः पठ्यते, राम ग्रंथ, राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, तो रामेण ग्रंथः पठ्यते में ग्रंथ में प्रथमा हुई। ये क्यों प्रथमा विभक्ति हुई, क्योंकि ये कर्मवाच्य का कर्म है, तो उक्त और अनुक्त, उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, क्योंकि सरलता से हमें इन विषयों को समझना है, तो सरलता की दृष्टि से इस सामान्य रूप में आपको हम बता रहे हैं। उसी प्रकार से द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति संस्कृत में यदि हम बोलें तो अहम संस्कृतम पठामि, अहम कर्ता है, संस्कृतम कर्म है और पठामि क्रिया है।
तो कर्म किसे कहते हैं? जो वस्तु कर्ता का अभीष्टतम इप्सिततम वस्तु को की कर्म संज्ञा होती है, कर्तुरिप्सितमम कर्म उसकी कर्म संज्ञा होती है, और जो कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो द्वितीय विभक्ति कहाँ होती है? कर्म में। और किसके कर्म में? कर्तृवाच्य के वाक्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती। वाक्य है मोहनः मंदिरम गच्छति, यहाँ पर मोहन करता है क्योंकि यह वाक्य कर्तृवाच्य का है, मोहन करता है। अब मोहन करता में प्रथमा विभक्ति लगी है, और मंदिरम इस वाक्य का कर्म है क्योंकि मोहन जो जाना क्रिया कर रहा है, गमन क्रिया कर रहा है, उस गमन क्रिया का लक्ष्य क्या है? मंदिर है, वहीं जाना चाहता है, दूसरे जगह नहीं जाना चाहता है, तो ये उसका इप्सिततम है, इसीलिए इसमें द्वितीय विभक्ति हुई और ये कर्म है, इसकी कर्म संज्ञा हुई। तो कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा और कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय, तो यहाँ मंदिरम में द्वितीय विभक्ति हुई और वाक्य बन गया मोहनः मंदिरम गच्छति, मोहनः पुस्तकम पठति, मोहनः विद्यालयम गच्छति। तो जिस प्रकार से सर्वाधिक प्रिय वस्तु की कर्म संज्ञा होती है कर्ता के, इप्सिततम की कर्म संज्ञा होती है, उसी तरह अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे कोई विद्यार्थी गांव जा रहा है, बालकः ग्रामम गच्छति, और गांव जाते हुए रास्ते में तृण मिलते हैं, घास कुछ अन्न बोया गया है उसको छूते हुए जाता है, तो यहाँ हम वाक्य बनाते हैं ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, तो तृणम में भी द्वितीय है, उसका जो अभिप्सित है वो तो गांव जाना है, तृण छूना तो उसका इप्सिततम नहीं है, अनिप्सित है। तो इस तरह से इप्सित और अनिप्सित दोनों की कर्म संज्ञा होती है, और कर्म संज्ञा होने के कारण कर्मणि द्वितीय, उसमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। इसी प्रकार से जो अपानादादि विभक्ति अपादानादि कारक है, अपादान कारक संप्रदान कारक आदि कारकों के द्वारा जिनको हम नहीं कहते हैं, उनके उन कारकों का प्रयोग करके नहीं कहते हैं, उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। और इस प्रकार से हम वाक्यों में देखते हैं दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म और एक गौण कर्म। तो मुख्य कर्म में तो द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन गौण कर्म में चाहें तो हम पंचमी आदि विभक्ति लगा सकते हैं, लेकिन यदि हम न लगाएं तो हमारी उनमें अविवक्षा हो तो हम द्वितीय विभक्ति वहाँ भी लगा सकते हैं। इनके लिए कुछ धातुओं का प्रयोग, इनको हम द्विकर्मक प्रयोग करते हैं, द्विकर्मक धातुओं के साथ देखा जाता है, और भी इसके उदाहरण मिलते हैं, जैसे यहाँ दुह याच पच दंड रुध प्रक्ष ची ब्रू सास जी मथ मुस नी री कृष वह, ये धातुएँ हैं। इन अर्थों में भी जो धातुएं हैं उनके भी गौण कर्म में द्वितीय विभक्ति, इसके भी लिए रूल है। तो यहाँ देखिए पाचक तंडुलान ओदनम पचत, पाचक ओदनम पचत, पाचक क्या पका रहा है? ओदनम पचत, ओदनम माने चावल अन्न पका रहा है, और किससे पका रहा है? तो तंडुल से। तो तंडुल में हम कौन सी विभक्ति लगाए? तो अन्य विभक्ति भी हम लगा सकते हैं, लेकिन जब उनकी अभिवक्षा हो तो हम द्वितीय भी लगा सकते हैं। तो तंडुलान ओदनम पचति, तो तंडुलान गौण कर्म है और ओदनम मुख्य कर्म है। उसी तरह से देवदत्त गाम पय दुग्धि, देवदत्त दूध दूहता है, तो यहाँ दूध दूहना, दूध जो है पय जो है ये मुख्य कर्म है। देवदत्त गाम पय दुग्धि, अब यहाँ पर मुख्य कर्म में तो द्वितीय होनी है, ये जो गौण कर्म है गाम गाय से दूध दुहता है, यहाँ चाहे तो हम पंचमी भी लगा सकते हैं, लेकिन वक्ता की विवक्षा नहीं है, पंचमी नहीं लगाना चाहता है, तो ऐसे अर्थ में द्वितीय भी लगा सकता है। तो यहाँ वाक्य बन गया देवदत्त गाम पय दुग्धि पशुपाल
ग्रामम अजाम नयति, तो क्या ले जाता है? ग्रामम अजाम नयति, अजा ले जाता है। किसको ले जाता है? अजा को। ये मुख्य कर्म है। अब कहाँ से ले जाता है? गांव से ले जाता है। तो यहाँ पंचमी नहीं लगा है, यहाँ द्वितीय लगी है। तो क्योंकि पंचमी हम नहीं लगाना चाहते हैं तो पशुपाल अविवक्षा है, पशुपाल ग्राम अजाम नयति। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं, प्रत्येक धातु के उदाहरण के साथ हम समझ सकते हैं कि द्विकर्मक धातुओं के योग में हम यदि अपादानादि की अविवक्षा हो तो हम द्वितीय विभक्ति वहाँ भी लगा सकते, और भी वार्तिक हैं, समय कम है। तो इसीलिए जब आप अपनी पुस्तक पढ़ेंगे, पाठ्य पुस्तक, उसमें सभी उदाहरण दिए हुए हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से ये आपको ध्यान रखना है कि द्विकर्मक जो धातुएं हैं वहाँ पर जब अपादानादि की अविवक्षा हो तो वहाँ भी द्वितीय विभक्ति होती है। इसी प्रकार से संक्षेप में ये सारे विषय आपके लिए उपस्थापित कर रहा हूँ। तो तृतीया विभक्ति की चर्चा करते हैं। तृतीया विभक्ति करण अर्थ में, साधन अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मैं हाथ से लिखता हूँ तो हाथ साधन हो गया, अहम हस्ते न लिखामि, अहम मुखे न खादामि, मुख से भोजन करता हूँ। तो यहाँ मुख साधन है भोजन में। इसी प्रकार से साधन में, साधन को ही करण कहते हैं, तो करण में तृतीया विभक्ति होती है। इसी प्रकार से अन्य अर्थों में जैसे सह, सह साकम समम सार्धम, ये भी एक अर्थ है। मैं गुरु के साथ जाता हूँ, साथ अर्थ है। तो साथ अर्थ में सह शब्द का प्रयोग करते सह, तो अहम गुरुणा सह विद्यालयम गच्छामि, तो गुरु में जिसके साथ जाते हैं उसमें तृतीया विभक्ति लगा देते हैं। इसी प्रकार से हम कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य का वाक्य, यद्यपि हम यहाँ भी कर्मवाच्य का विशेष बोध नहीं करा रहे हैं, लेकिन सामान्यतः आपको बताने के लिए रमा पत्रम लिखति, ये एकर्तृवाच्य का वाक्य। रमा करता है, पत्रम कर्म है, और लिखति क्रिया है। रमा में प्रथमा विभक्ति लगी है क्योंकि रमा करता है, और किस वाच्य की का करता है? कर्तृवाच्य का, इसलिए रमा में प्रथमा। और पत्रम किम लिखति, पत्रम लिखति, तो पत्र में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, और लिखति एक क्रिया है, एक कर्तृवाच्य का। इसी को जब हम कर्मवाच्य में बदलते हैं तो कर्मवाच्य में कर्म में तो प्रथमा हो जाती है क्योंकि कर्म उक्त हो जाता है, लेकिन कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है, अनुक्त हो जाता है। अनुक्त होने के कारण वहाँ तृतीया, तो आपको समझने की दृष्टि से बता रहा हूँ कि कर्मवाच्य के कर्ता में भी तृतीया विभक्ति होती है। इसी प्रकार से भाववाच्य के भी कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। आप समझें, इस दृष्टि से हम एक एक बात को अलग अलग कह के बता रहे हैं कि करण अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, सह के योग में सह आदि, सह साकम समम सार्धम आदि अव्यय पद हैं, इनके लगाने से भी तृतीया विभक्ति जिसके साथ जाते हैं उसमें लगती है। उसी प्रकार से कर्तृवाच और कर्मवाच और भाववाच के कर्ता में तृतीया विभक्ति लगाते हैं। इस प्रकार से हम सरल सहजता से थोड़े थोड़े विषयों को आपको समझाने की दृष्टि से, सारे विस्तार से नहीं बता रहे हैं जिससे आप सरलता से इन विषयों को समझ सकें। इसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति, संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान कारक के अर्थ में हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। जैसे दानादि कर्म का संबंध, जिसको हम देते हैं, कोई चीज़ देते हैं, और देने का अर्थ ये है कि हम पुनः उससे वापस नहीं लेते। अध्यापक ने विद्यार्थी को पुस्तक दिया और वह पुस्तक वापस नहीं लेगा अध्यापक, तो अध्यापक छात्राय ग्रंथम ददाति। संप्रदान जब अर्थ होगा तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राजा विप्राय गाम ददाति, राजा विप्र को गाय देता है,
तो विप्र को देता है, गाय अब विप्र से वापस नहीं लेगा। तो इसीलिए वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। यदि हम वापस ले लें तो वहाँ चतुर्थी नहीं होती है। जैसे मैं धोबी को कपड़ा दिया धुलने के लिए, तो हम रजकस्य वस्त्रम ददामि, अहम रजकाय वस्त्रम ददामि, यह वाक्य नहीं सही होगा, क्योंकि हम रजक से तो वस्त्र वापस ले लेंगे। इसीलिए राजा जो है विप्र को गाय दे रहा है, वो गाय वापस नहीं लेगा, इसीलिए विप्र में चतुर्थी विभक्ति लगी, राजा विप्राय गाम ददाति। लेकिन छात्र रजकस्य वस्त्रम ददाति, छात्र ने अपना कपड़ा रजक को दिया धुलने के लिए और फिर वह धुल के वापस लाएगा, इसलिए वहाँ चतुर्थी नहीं लगी, क्योंकि संप्रदान नहीं है। इसी प्रकार से कुछ उपपद विभक्तियाँ होती हैं जिनके रहने से, जिन पदों के रहने से विभक्ति में परिवर्तन होता है। जैसे नमः युग, गणेशाय नमः प्रयोग बहुत होता है, शिवाय नमः, गुरवे नमः, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। स्वस्ति के अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग करते हैं, स्वाहा के अर्थ में, जैसे अग्नये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, तो ये नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वशट, इनके इन उपपदों के रहने पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से रुच धातु, रुच धातु का यदि प्रयोग हो तो वहाँ भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे बच्चे को मिठाई अच्छी लगती है तो बालकाय मोदकम रोचते, बालक को मोदक माने लड्डू अच्छा लगता है, मह्यम रसगोलकम रोचते, मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है, मह्यम मह्यम वस्त्रम रोचते, मह्यम इदम वस्त्रम रोचते, मुझे यह कपड़ा अच्छा लगता है। तो रुच धातु का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ भी चतुर्थी विभक्ति होती है। कुछ धातु ऐसी हैं जिन धातुओं का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कथ धातु है, संस धातु है, निवेद है, उपसर्ग है, तो सह आचार्याय निवेदयत, आचार्यम निवेदयति के जगह सह आचार्याय निवेदयति, ते भूतार्थम कथयामि, तुभ्यम अहम भूतार्थम कथयामि, भोजेन दूतः रघवे प्रेषितः, रघु के लिए भोज ने दूत भेजा। तो ऐसे कुछ धातु हैं जिन धातुओं के कारण इनके योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः इनका प्रयोग कम होता है, लेकिन जब भी इनका प्रयोग हो तो हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और जब हम किसी कार्य की सिद्धि के लिए जो काम करते हैं उसमें भी, जैसे मैं हरि को भजता हूँ, अहम हरिम भजामि, भक्त हरिम भजत, लेकिन सिद्धि क्या होनी है? सिद्धि होनी है मुक्ति, तो भक्त मुक्तये हरिम भजति, भक्त मुक्ति के लिए हरि को भजता है। इस प्रकार के भी प्रयोग, और नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वशट, ये जो उपपद विभक्तियां हैं इनके योग में भी चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। अब हम संक्षेप में विवेचन कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं, और अगली विभक्ति हमारी है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति को कारक के साथ जोड़ें तो उसका अर्थ होता है अपादान कारक। अपादान माने किसी से अलग होना, अलग होने अर्थ में, अपादान अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रामः ग्रामात् आगच्छति, राम घर से आता है, तो यहाँ इसी अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कोई वस्तु कहीं से उत्पन्न होती है और वहाँ से उत्पन्न होकर जब अलग होती है तो वहाँ उस अर्थ में भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो इन सभी अर्थों में पंचमी विभक्ति होती है अपादान के अर्थ में। इस प्रकार से भय अर्थ में,
भय भयार्थक धातुएं हैं तो भय अर्थ में भी पंचमी विभक्ति होती है, रक्षणार्थक में भी पंचमी विभक्ति होती है। बालह चौरात विभेति, बालक चोर से डरता है तो किससे डरता है, चोर से। मैं युद्ध से डरता हूँ, अहम युद्धात विभीम, इसी देव जो है दैत्यों से रक्षा करते हैं, तो जिससे रक्षा करते हैं उसमें पंचमी विभक्ति, देवः दैत्यात दैत्यात रक्षति। इसी प्रकार से परा उपसर्ग हो, जी उपसर्ग हो, उस धातु के अर्थ में इन उपसर्गों के साथ जो धातु हो उस धातु के प्रयोग के साथ यदि हम प्रयोग करें तो वहाँ भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पराजयते, परा उपसर्ग है और जी जी धातु है, इनके साथ जब हम प्रयोग करते हैं पराजयते तो किससे पराजित होता है, अध्ययनात पराजयते, इन अर्थों में हम पंचमी विभक्ति करते हैं। इसी प्रकार से किसी वस्तु को हम जब रक्षा करते हैं और जिससे रक्षा करते हैं तो वहाँ जिनकी रक्षा करते हैं उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। कृषकः यवेभ्यः गाम वारयति, तो वारण अर्थ निवारण अर्थ में हम चाहते हैं कि यवों को गाय खाए न, तो गाय को हटाते हैं। किससे हटाते हैं, किससे निवारण करते हैं, यव से, जो हमारी अभीष्ट वस्तु है उस अभीष्ट वस्तु से हम निवारण करते हैं। तो वहाँ जिस अभीष्ट वस्तु से निवारण करते हैं वहाँ उसमें पंचमी विभक्ति होती है, कृषकः यवेभ्यः गाम वारयति। इसी प्रकार से जिससे हम विद्या का ग्रहण करते हैं, कुछ सीखते हैं, उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रामः अध्यापकात पठति, रामः अध्यापकात अधीते, तो अध्यापक से हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ भी पंचमी विभक्ति होती है। उसी प्रकार से पृथक, नाना, बिना, इन अव्ययों के साथ यदि हम प्रयोग करें तो भी उस अर्थ में भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रामम बिना, यहाँ बिना का प्रयोग द्वितीय में भी होता है, तृतीय में भी होता है, पंचमी में भी होता है। रामम बिना, रामेण बिना, रामात बिना, इस तरीके से इन उपपद विभक्तियों के योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। षष्ठी विभक्ति ऐसे स्थलों पर होती है, शेषे षष्ठी, जिन अर्थों में अन्य विभक्तियों का हमने प्रयोग नहीं किया उन अर्थों में भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे राजा का पुरुष राज्ञः पुरुषः, राजा का भाई राज्ञः भ्राता, बुद्धिर यस्य बलम तस्य, तो इनको हम अन्य कारकों के द्वारा नहीं कहते हैं, उन अर्थों में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। हेतु के अर्थ में भी हम लोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे अन्नस्य हेतोः प्रतिवसति, अन्न के लिए वह रहता है, यहाँ रहता है। इस प्रकार से इन इन अर्थों में दक्षिणतः, उत्तरतः, पुरतः, पुरः आदि ऐसे अव्यय शब्द हैं जिनके रहने पर भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति का हम लोगों ने प्रयोग देखा। इन अर्थों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, षष्ठी के बहुत सारे प्रयोग हैं। कृत प्रत्ययों के योग में भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कृष्ण जगतः कर्ता, तुल्य अर्थ में, सदृश अर्थ में, इन अर्थों में भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब हम सप्तमी विभक्ति के प्रयोग को आपको दिखाते हैं। सप्तमी विभक्ति को कारक की दृष्टि से देखें, सप्तमी विभक्ति का अर्थ है अधिकरण, इसको अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण आधारोधिकरण, आधार को हम अधिकरण, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। ये आधार तीन प्रकार के होते हैं, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। प्रयोग में हम देखें तो यदि हम कहते हैं वह चटाई पर बैठता है,
तो चटाई पर बैठना ये औपश्लेषिक आधार है। इसको हम संस्कृत में कहेंगे सह कटे आस्ते, वह कट माने चटाई पर बैठता है। इसी प्रकार से आधार ही है, लेकिन यह दूसरे प्रकार का आधार है, वैषयिक आधार। तो हम कहते हैं उसकी मोक्ष में इच्छा है, तस्य मोक्षे इच्छा अस्ति। मोक्ष में सप्तमी विभक्ति है, वहाँ भी आधार है, और आधार कौन सा है? वैषयिक आधार है। विभक्ति की दृष्टि से तो तीनों जगह सप्तमी है, लेकिन अधिकरण की दृष्टि से, आधार की दृष्टि से तीन अर्थ हैं। एक जगह औपश्लेषिक आधार है, एक जगह वैषयिक आधार है, और एक जगह अभिव्यापक आधार है। अभिव्यापक आधार का जब हम उदाहरण देखते हैं तो सब में आत्मा है, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। तो सब में, सर्वस्मिन में जो सप्तमी विभक्ति हुई है, तो अभिव्यापक आधार में सप्तमी विभक्ति हुई है। इसी प्रकार से साधु असाधु माने, जैसे वह अपनी माता के लिए बहुत अच्छा है, तो कृष्ण मातरि साधु, माता के लिए तो बहुत अच्छा है लेकिन मामा के लिए खराब है। मातुले असाधु, तो साधु असाधु ये अर्थ हो, तो इस अर्थ में भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण के लिए साधु का जैसे हमने बताया कृष्ण मातरि साधु और कृष्ण मातुले असाधु, उसी प्रकार से जाति गुण क्रिया संज्ञा के आधार पर यदि हम कोई व्यक्ति किसी समुदाय से विशिष्ट बताता है या विशिष्ट है, तो उस विशिष्ट व्यक्ति को बताने के लिए हम षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वैशिष्ट बताने के लिए वह जाति हो, गुण हो, क्रिया हो, संज्ञा हो, इस किसी के आधार पर हम बताना चाहते हैं। जैसे हम कहें कि छात्रों में मैत्र बहुत उत्तम है, बहुत पटु है, तो हम छात्राणाम मैत्र पटु। वेदों में सामवेद बहुत अच्छा है, तो कहेंगे वेदानाम सामवेद उत्तम। तो इन आधारों पर भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से संक्षेप में आपको विभक्तियों का निरूपण किया आपके लिए, और कारक क्योंकि उसके साथ जुड़े हुए हैं, इन दोनों का प्रयोग करना हमें सीखना है, क्योंकि इनके बिना हम वाक्य का निर्माण नहीं कर सकते। हम इन्हीं सातों विभक्तियों में वाक्य बनाते हैं, एक एक विभक्ति का हम आपको वाक्य बना के दिखाते हैं। जैसे राम गृहम गच्छति, तो राम में प्रथमा विभक्ति है और गृहम में द्वितीय विभक्ति है। तो राम में प्रथमा एक कर्ता है और गृहम द्वितीय है, एक कर्म है। तो एक हुआ कर्ता कारक और दूसरा हो गया कर्म कारक। रामः बाणेन रावणम हंत, तो यहाँ बाणेन में करण कारक है, ये तृतीय विभक्ति लगी है, ये करण है, साधन है। तो यहाँ देखिए तृतीय विभक्ति है और कौन सा कारक है? करण कारक है। ठीक इसी प्रकार से अब हम देखिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि रामः विप्राय गाम ददाति, तो रामः करता है, प्रथमा विभक्ति लगी है। गाम ददाति, गाम में द्वितीय हो, कर्म कारक है, और किसको देता है? विप्र को। तो विप्र में संप्रदान संज्ञा हुई है, संप्रदान कारक है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगी है। तो विप्राय राम विप्राय गाम ददाति। इसी प्रकार से पंचमी देखिए, तो राम अयोध्यायाः गच्छति, राम अयोध्या से जाते हैं, तो कहाँ से जाते हैं? अयोध्या से। तो अयोध्या में पंचमी विभक्ति लगी है, वो अपादान कारक है। इसी प्रकार से षष्ठी, इसमें इसका कोई कारक नहीं होता, संबंध कारक नहीं है, संबंध अर्थ है। तो संबंध किसी के साथ हो सकता है, जैसे कहें दशरथस्य पुत्रः रामः, तो दशरथ और राम में संबंध है। इसी प्रकार कर्म के साथ हो सकता है, करण के साथ हो सकता है। मम विद्यालय अस्ति, मेरा और विद्यालय के साथ संबंध है। तो इस संबंध अर्थ है, इस अर्थ में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं।
संबंध के अतिरिक्त अन्य भी जो प्रयोग हम इन के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार सप्तमी रामः वने आस्ते, राम वन में बैठते हैं, तो रामः वने आस्ते वन अधिकरण है, वहाँ सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। तो इसी प्रकार से हम जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में विस्तार से विषय दिए हुए हैं, यहाँ तो आपको संक्षेप में इन विषयों को अब बता रहे हैं, और मुझे आशा है कि इनके अभ्यास से आप शीघ्र ही संस्कृत सीखेंगे और हम लोग शीघ्र ही आगे की कक्षाओं में संस्कृत में वार्तालाप करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग शीघ्र संस्कृत सीख करके संस्कृत भाषण में निपुण होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।